आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे पीएनबी वन एप्लीकेशन के अंदर लॉगिन कैसे किया जाता है। पीएनबी वन एप्लीकेशन के अंदर हमें लॉगिन होना है, पर हमारे पास एटीएम कार्ड नहीं है। एटीएम कार्ड नहीं है तो हम आधार कार्ड से पीएनबी वन एप्लीकेशन को चालू कैसे कर सकते हैं, ये प्रोसेस इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले पीएनबी वन एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड नहीं किया हुआ तो डाउनलोड करने के लिए आपको अपने मोबाइल के अंदर प्ले स्टोर एप्लीकेशन को ओपन करना है। प्ले स्टोर एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद में दोस्तों, यहाँ पे आपको सर्च बॉक्स के अंदर सर्च करना है पीएनबी वन ऐप। यहाँ पे आपको सर्च करना है पीएनबी वन। यहाँ पे आपको पीएनबी वन सर्च करने पर दोस्तों, आपकी मोबाइल की स्क्रीन पे इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। अब दोस्तों, यहाँ पे आपको इंस्टॉल पे क्लिक करना है। इंस्टॉल पे क्लिक करने के बाद में पीएनबी वन एप्लीकेशन इंस्टॉल होगा, तो आपको कुछ सेकंड के लिए यहाँ पे वेट करना है। या फिर आपका पीएनबी वन एप्लीकेशन पहले से इंस्टॉल किया हुआ है तो आपको अपडेट पे क्लिक करके अपडेट करना होगा। अब दोस्तों, यहाँ पे हमें कुछ सेकंड के लिए वेट करना होगा। पीएनबी वन एप्लीकेशन और यहाँ पे इंस्टॉल हो रहा है। पीएनबी वन एप्लीकेशन इंस्टॉल होने के बाद में ओपन का यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा, तो आपको ओपन पे क्लिक करना है। ओपन पे क्लिक करने के बाद में पीएनबी वन एप्लीकेशन का यहाँ पे आप देख सकते हो लोगो आ गया। अब दोस्तों, यहाँ पे जो भी ये परमिशन मांग रहा है, हमें परमिशन अलाउ करनी होगी। जो भी परमिशन है यहाँ से अलाउ करनी है। परमिशन इस तरह से आपको जो भी परमिशन मांगे यहाँ से अलाउ करनी होगी। जो भी परमिशन है सारी आपको अलाउ करनी है। अलाउ करने के बाद में आपकी मोबाइल की स्क्रीन पे इस तरह से ये पेज ओपन हो जाएगा पीएनबी वन एप्लीकेशन के अंदर। अब दोस्तों, आपको प्रोसीड टू लॉगिन पे क्लिक करना है। यहाँ पे प्रोसीड टू लॉगिन पे क्लिक करने के बाद में इस तरह से एक पेज ओपन हो जाएगा। अब दोस्तों, यहाँ पे आपको साइन इन के नीचे न्यू यूजर दिखाई दे रहा होगा, तो यहाँ पे आपको न्यू यूजर पे क्लिक करना है। न्यू यूजर पे क्लिक करने के बाद दोस्तों, इस तरह से एक पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेंगे पीएनबी वन एप्लीकेशन के अंदर लॉगिन होने के लिए। आप एक तो एटीएम कार्ड से पीएनबी वन एप्लीकेशन के अंदर लॉगिन हो सकते हो, या फिर आपके पास एटीएम कार्ड नहीं है तो आप आधार कार्ड से पीएनबी वन एप्लीकेशन के अंदर लॉगिन हो सकते हो। पर मेरे पास अभी एटीएम कार्ड नहीं है तो मैं आधार कार्ड को यहाँ से सेलेक्ट कर रहा हूँ। आधार कार्ड को सेलेक्ट करने के बाद में मोबाइल की स्क्रीन, अब दोस्तों इस तरह से एक पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको ऊपर की ओर स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद में आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद में आपकी मोबाइल की स्क्रीन पे फिर से एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। अब दोस्तों, यहाँ पे आपको सबसे पहले अपना अकाउंट नंबर डालना है। अकाउंट नंबर डालने के बाद में पैन कार्ड, डेट ऑफ बर्थ दोनों में से एक को सेलेक्ट करना है। बाद में आपको मोबाइल बैंकिंग सर्विस या मोबाइल एंड इंटरनेट बैंकिंग सर्विस दोनों में से एक को सेलेक्ट करना होगा। बाद में आपको दोस्तों व्यू ओनली या व्यू एंड ट्रांजेक्शन दोनों में से एक को सेलेक्ट करना है। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे पहले मेरा अकाउंट नंबर डाल रहा हूँ। अकाउंट नंबर डालने के बाद में आपको डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है। जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है, यहाँ से आप डालना चाहो तो डेट ऑफ बर्थ डाल सकते हो, या फिर आप पैन कार्ड सेलेक्ट कर रहे हो तो आपको पैन कार्ड नंबर यहाँ पे डालना है। तो मेरे को यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालनी है, तो मैं डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट कर रहा हूँ। डेट ऑफ बर्थ यहाँ से आपको अपनी जो भी डेट ऑफ बर्थ आप डाल रहे हो, तो यहाँ से कैलेंडर से डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डालनी है। अब दोस्तों, मैंने डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डाल दी है। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद में यहाँ से मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ मोबाइल एंड इंटरनेट बैंकिंग सर्विस। तो मेरे को दोनों सर्विस यहाँ पे चाहिए, तो मैं यहाँ पे मोबाइल एंड इंटरनेट बैंकिंग को सेलेक्ट कर रहा हूँ। बाद में दोस्तों, यहाँ पे ऊपर की ओर स्क्रॉल करने पर व्यू ओनली या व्यू एंड ट्रांजेक्शन दोनों यहाँ से मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ सेकंड नंबर ऑप्शन को। तो व्यू एंड ट्रांजेक्शन को यहाँ से सेलेक्ट किया है मैंने। अब दोस्तों, ऊपर की ओर स्क्रॉल करने पर यहाँ पे आपको कंटिन्यू मिलेगा। तो इस तरह से ये सारी डिटेल आपको यहाँ पे डालनी है। सबसे पहले अपना जो अकाउंट नंबर है, बाद में पैन कार्ड, डेट ऑफ बर्थ दोनों में से एक को सेलेक्ट करना है। बाद में आपको मोबाइल बैंकिंग सर्विस या एंड इंटरनेट बैंकिंग दोनों में से एक को सेलेक्ट करना है। बाद में व्यू ओनली या व्यू एंड ट्रांजेक्शन दोनों में से एक को सेलेक्ट करना है। तो इस तरह से ये सारी डिटेल आपको सेलेक्ट करनी है। बाद में आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद में दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ सेकंड लेगा, इस तरह से ये आएगा। अब दोस्तों, आपके अकाउंट के साथ जो भी मोबाइल नंबर है उस पर एक ओटीपी आएगा। जो अकाउंट के साथ लिंक मोबाइल नंबर है उस पर एक ओटीपी आएगा, वह ओटीपी यहाँ पे आपको एंटर करना है। यहाँ पे ओटीपी एंटर करने के बाद में आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद में आपकी मोबाइल की स्क्रीन पे इस तरह से एक पेज ओपन हो जाएगा। अब दोस्तों, यहाँ पे आपका आधार नंबर है, वह आधार नंबर आपको यहाँ पे एंटर करना है। 12 डिजिट का जो भी आपका आधार नंबर है यहाँ पे आपको एंटर करना है। बाद में ये यहाँ पे एक चेक बॉक्स है, इसके अंदर आपको टिक करना है। बाद में आपको सबमिट पे क्लिक करना है। तो इस तरह से आपको सबसे पहले अपना आधार नंबर डालना है, बाद में आपको इस चेकबॉक्स के ऊपर टिक करना है। यहाँ पे टिक करने के बाद में आपको सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद में आपकी मोबाइल के एक पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपके आधार के साथ जो भी मोबाइल नंबर लिंक है उस पर एक ओटीपी आएगा, वह ओटीपी यहाँ पे आपको एंटर करना है। ओटीपी एंटर करने के बाद में आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद में आप देख सकते हो इस तरह से ये पेज ओपन हो गया है। यहाँ पे आपको पासवर्ड डालना होगा, तो सबसे पहले आपको साइन इन पासवर्ड डालना है। तो जो भी आप पासवर्ड यहाँ पे डाल रहे हो वही सेम पासवर्ड यहाँ पे आपको कन्फर्म के लिए डालना है। बाद में ट्रांजेक्शन पासवर्ड यहाँ पे आप डाल रहे हो वही सेम कन्फर्म के लिए यहाँ पे आपको डालना है। बाद में न्यू टीपी एन पिन यहाँ पे आपको डालना है। तो यहाँ पे आपने जो पासवर्ड डाला है वही सेम पासवर्ड यहाँ पे आपको इस तरह से आपको यहाँ पे ये पासवर्ड डालना है। और दोस्तों, आप जो भी पासवर्ड डाल रहे हो कहीं पे आपको नोट करना होगा, और जो पासवर्ड आप डाल रहे हो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड डालना है, जो आपको मोबाइल की स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। इस तरह से आपका जो भी पासवर्ड बना रहे हो वह पासवर्ड आपको बनाना है।
अब दोस्तों यहाँ पे पासवर्ड डालने के बाद में आपको सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद में अब दोस्तों आप देख सकते हो मोबाइल के स्क्रीन पे रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो गया है। और दोस्तों यहाँ पे आपको एक यूजर आईडी मिली है जो आपको कहीं पे नोट करना है या फिर आपकी जो बैंक की पासबुक है उसके अंदर भी मिल जाएगा यूजर आईडी। अब दोस्तों आपको साइन इन पे क्लिक करना है, यहाँ पे साइन इन पे क्लिक करना है। अब दोस्तों आप देख सकते हो साइन इन पे क्लिक करने के बाद में बैक हो गया, यहाँ पे आपका जो यूजर आईडी है, यूजर आईडी आपने जो प्राप्त किया है अभी सक्सेसफुली का आपका जो मैसेज आया है उसके अंदर आपको मिल जाएगी, या फिर आपकी जो बैंक की पासबुक है उसके अंदर सीआईएफ नंबर करके यूजर आईडी आपको मिल जाएगी, वह नंबर यहाँ पे आपको डालना है। अब दोस्तों यहाँ पे यूजर आईडी डालने के बाद में आपको साइन इन पे क्लिक करना है। साइन इन पे क्लिक करने के बाद अब दोस्तों आपकी मोबाइल की स्क्रीन पे इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा, वेरीफाई मोबाइल नंबर है, यहाँ पे आपके अकाउंट के साथ जो भी मोबाइल नंबर लिंक है वह मोबाइल नंबर यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है। मोबाइल नंबर सेलेक्ट करने के बाद में आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद अब दोस्तों आपके अकाउंट के साथ लिंक मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी प्राप्त हुआ है, वह ओटीपी यहाँ पे आपको डालना है, बाद में कंटिन्यू पे क्लिक करना है। इस तरह से यहाँ पे आपको ओटीपी डालना है। ओटीपी डालने के बाद में कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद में दोस्तों यहाँ पे न्यू एमपिन सेट करना है, 4 डिजिट का यहाँ पे आपको एमपिन सेट करना है। जब भी आप योनो के अंदर लॉगिन होंगे तब आपको ये एमपिन डालना होगा। तो इस तरह से यहाँ पे आपको एमपिन डालना है, जो भी आप एमपिन डाल रहे हो वह आपको याद रखना है या फिर आपको कहीं पे नोट करना है, आपको यहाँ पे एमपिन डालना है। अब दोस्तों एमपिन डालने के बाद में आपको सबमिट पे क्लिक करना है। अब दोस्तों आप देख सकते हो सबमिट पे क्लिक करने के बाद में आपकी मोबाइल के स्क्रीन पे सक्सेसफुली एमपिन सेट सक्सेसफुली आ गया है। तो इस तरह से आप बहुत ही आसानी से पीएनबी वन एप्लीकेशन के अंदर लॉगिन हो सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पे आपको साइन इन पे क्लिक करना है। साइन इन पे क्लिक करने के बाद में आपकी मोबाइल के स्क्रीन पे इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा, जो भी आपने एमपिन बनाया था 4 डिजिट का 4 नंबर का जो एमपिन यहाँ पे आपको डालना है। दोस्तों आप देख सकते हो एमपिन डालने के बाद में यहाँ पे पीएनबी वन एप्लीकेशन ओपन हो गया है। यहाँ पे आपको पंजाब नेशनल बैंक की काफी सारी सर्विस मिलेगी पीएनबी वन एप्लीकेशन के अंदर। आप अपने अकाउंट का बैलेंस चेक कर सकते हो। आपको बैलेंस चेक करना है तो टोटल अवेलेबल बैलेंस के ऊपर आपको आई बटन दिखाई दे रहा है, इस पे आपको क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद में आपका जो भी अकाउंट का बैलेंस है यहाँ पे शो करेगा। और दोस्तों आपको अपने अकाउंट का स्टेटमेंट निकालना है तो आप पीएनबी वन एप्लीकेशन के द्वारा स्टेटमेंट भी निकाल सकते हो। और दोस्तों आपको स्टेटमेंट कैसे निकाला जाता है ये पता नहीं है तो मैं इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा। पीएनबी वन एप्लीकेशन के द्वारा वीडियो को देखने के बाद बहुत ही आसानी से अपने अकाउंट का स्टेटमेंट भी निकाल सकते हो। और दोस्तों आप वीडियो में फर्स्ट टाइम आए हो और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर भी कीजिएगा। और दोस्तों आपको पीएनबी के न्यू एटीएम कार्ड को एक्टिवेट करना है या फिर आपको पीएनबी संबंधित और कुछ भी सर्विस के बारे में जानना है तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक डाल दूंगा। तो दोस्तों इस तरह से आप बहुत ही आसानी से पीएनबी वन एप्लीकेशन के अंदर लॉगिन हो सकते हो।